स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सौजन्य से राजगढ़ में एक दिवसीय जागरूकता अभियान एवं खाद्य पदार्थों की जांच का आयोजन विभाग की मोबाइल लैब के माध्यम से किया गया। विभाग की ओर से आए खाद्य विश्लेषक राहुल देव ने बताया कि विभाग का उद्देश्य आम जनमानस को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए इस मोबाइल लैब के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सभी खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले विशेषकर होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है और सभी दुकानदारों को स्वच्छता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखने के बारे में जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में राजगढ़ में आज शहर के ढाबों, मिठाई की दुकानों व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने व खाद्य पदार्थ बनाते समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखने व खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट न करने की हिदायत दी गई। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए प्रयोग होने वाले तेल का बार बार प्रयोग न करने की भी जानकारी दी गई। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थ बनाने वाले हलवाई या ढाबों में खाना बनाने वालों को अप्रेन व सिर पर टोपी पहनने की हिदायतें दी गई। इसके साथ साथ दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के नियमों के तहत लाइसेंस बनाने व उसका समय समय पर नवीनीकरण करने की भी सलाह दी गई। मैं राहुल देव, फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। आज हम यहाँ राजगढ़ की मार्केट में आए थे और आज हमने यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों की जो है चेकिंग करी है, उनकी एनालिसिस करी है और जो सभी अपने पैमाने पे बिल्कुल ठीक पाए गए थे। और हमने दुकानदारों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को और ढाबे मालिकों को हमने कुछ एक खाद्य सुरक्षा को और उसकी साफ सफाई कैसे करनी है उसके बारे में प्रॉपर उनको जानकारी भी दी है। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत, रवि तोमर की राजगढ़ से रिपोर्ट।